हमारी लायकी नहीं बोल रहा घाटी में काई के वास्ते भैया वो मैडम ने हाँ मेरे सामने बोले। अरे वो सिक्योरिटी है इसको मेरे औकात मत हो गया उसने बोली कैसे इनका काम है क्या बोलने का कैसा बोलने नहीं था और आ रहे हैं तो मैं जा इसमें जा उसमें जा तेरे बाप का थोड़ी देरी तू हां बीबी ने तो क्या बहस कर रही है छोड़ दो बात उसको उसको हां मैं बोल देता हूं पनिशमेंट करो उसको पहले बाद में दूसरों की औकात दिखाना ये बाकी तो टिकट कर आप में दूसरों की औकात दिखाना चल जाओ पेशेंट से प्यार से बात करो औकात दूसरे की औकात दिखाना समझे हो मेरा बेटा हां समझे ना तू बोल के कुछ फायदा है क्या समझ रही होगी ऐसे 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 हम बात करेंगे ना ये तो हमारे साथ हमारी औकात हमारे साथ कौन होती है ये तो जातिवाद हो रहा है ना वही तो बोल रहा है राइट क्यों चाहिए बोले उन्होंने हमारी औकात नहीं उन्होंने बोले हमारी औकात नहीं है प्राइवेट में जाना था क्यों बोले अरे मेरी मिसेस है कंप्लेंट करो ये इसकी बस मेरी एक रिक्वेस्ट है मैंने इससे पहले भी मीटिंग में बोला था सुविधा में आप भी ठीक है कल शाम से जो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारी एक बहन जो है तो घाटी के अंदर लेबर वार्ड के पास जो है तो सिक्योरिटी से बहस कर रही है सिक्योरिटी ने उस हमारी बाजी को कुछ कह दिया था जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ कि क्यों आप लोग घाटी में आए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो ताल्लुक से आज हम लोग जो है तो घाटी के अंदर यहाँ के डीन मैडम रोटे मैडम से आकर मुलाकात किए हम लोग की मांग ये थी कि जो MSF और दूसरा कौन सा है MESCO ये दो जो सिक्योरिटी पर्सन घाटी के अंदर अलॉटेड है आपने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप पेशेंट्स के साथ जो है तो किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीजी नहीं करना चाहिए अगर आइंदा से ऐसी कोई बदतमीजी कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी पेशेंट या उसके रिलेटिव के साथ करेगा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पूरा कैडर उस सिक्योरिटी गार्ड को उसकी जो भाषा में उसको समझ में आता है उसमें हम लोग उसको जवाब देंगे मगर आज हम लोगों ने एक कंप्लेन ओरल कंप्लेन प्लस रिटर्न कंप्लेन रोटन मैडम के पास किया है रोटन मैडम ने दोनों भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड्स हैं उनको यहाँ पर बुलाकर जो है तो तफसील में उनसे भी पूरी इंक्वायरी की है और उनको जो है तो ये बताया है कि आइंदा इस तरीके की कोई भी घटना पेशेंट या उसके रिलेटिव के साथ नहीं होना चाहिए घाटी के अंदर पेशेंट्स और उसके रिलेटिव बड़ी परेशान हालत में आते ऐसे में उनके साथ बदतमीजी हो ये गलत बात है हम दोनों सिक्योरिटी के हेड्स को और पूरे सिक्योरिटी गार्ड को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिएगा आप पेशेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो आप थोड़ा उनसे तमीज़ से बात करिएगा आइंदा आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो उसके ऊपर हम लोग एक्शन और स्ट्रिक्टली लेंगे जो गार्ड ने बदतमीजी किया था उसको जो है तो अभी सस्पेंड किया गया है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोटे मैडम जो यहाँ की अभी एक्टिंग डीन है वो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके और आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे दूसरी बात यहाँ की जो दरगाह है जिसके ताल्लुक से पिछले दिनों में जो है तो अतिक्रमण पत्थर भी यहाँ पर आया था उसके ताल्लुक से भी हम लोगों ने डीन मैडम से बात की है कि जो कदीम दरगाह है बड़ी पुरानी दरगाह है उसको जो है तो आज वहाँ पर जो तो दरगाह के जो मतवली है उन्होंने जो है तो उसके ऊपर उस दरगाह के बाजू में शेड डाला है दरगाह को लगकर ही उनका पुराना वो कदीम इलाका है उसके अंदर उन्होंने जो है तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है वो लोग आकर जो है तो वहाँ पर रह सके उनके लिए बेड्स का इंतज़ाम है वो लोग वहाँ पर खाना बनाकर सो सके इसका इंतज़ाम है तो उनके लिए भी थोड़ी रियायत करिएगा और उसके लिए भी डीन मैडम ने हमको बताया है कि पूरा पूरा सहयोग वो इंशाल्लाह करेंगे तो यही दो मुद्दे लेकर आज हम लोग घाटी में डीन मैडम के पास आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह
पूरा पॉजिटिव रिस्पांस हमको डीन मैडम से मिला है। हमारे औरंगाबाद ज़िले के जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर है इमरान सालार साहब और हमारे सिटी के जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर है हाशम चौस साहब, ये दोनों ने इस बात को आज लीड करके जो तो डीन मैडम से बात की। मैं पेशेंट से भी ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप लोग अगर घाटी में आपका कोई पेशेंट एडमिट है तो आप लोग जो है तो घर का कोई एक बड़ा यहाँ पर आकर अगर आप रुके और पेशेंट को देखें तो बेहतर होगा। होता ये है कि हम लोग जो है तो पूरे फैमिलीज फ्रेंड्स के फ्रेंड जो है तो घाटी के अंदर आते हैं और अपनी अपनी सेहतों को जो है तो दाव पर लगाते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि घाटी के अंदर जो ट्रैफिक इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रिलेटिव या फ्रेंड्स जो पेशेंट से मिलने के लिए आते हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो है तो पार्किंग के अंदर सही तरीके से आपकी गाड़ियाँ पार्क करें और जो है तो यहाँ के प्रशासन को पूरा पूरा सपोर्ट करें। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम घाटी के अंदर होती है या सिक्योरिटी वाले आपको तंग करते हैं, ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स हैं जिनकी कंप्लेन हम तक नहीं पहुँच पाती। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको घाटी के अंदर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से हो, स्टाफ की तरफ से हो या सिक्योरिटी की तरफ से हो, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के अंदर जो है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर पूरी मेडिकल की टीम बनाई है। हमारे इमरान सालार साहब है, हमारे हाशम चौस साहब है, राफे साहब है, दारुस्सलाम के ऊपर हमारी हमेशा टीम मौजूद रहती है। आप कोई भी आकर जो है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ पर बैठे हैं।